बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे ये फ़ोटोशॉप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो तो है 2020, और एडवांस वर्जन है करवाऊंगा। एडवांस वर्जन है उसको बाद में हम करेंगे साथ साथ। सबसे पहले हम लाइट वेट वर्जन पे काम करते हैं ताकि टूल्स का पता चल जाए, और हो सकता है कि जो फ़ोटोशॉप 2020 है वो बाज़ लोगों के पास जो पीसीज हैं उनके ऊपर इंस्टॉल ना हो, हैवी चले, क्योंकि काफ़ी हैवी है ये। इसलिए आज मैं जो वर्जन आपको स्टार्ट करवाऊंगा वो है CS5। लाइट वेट है, टूल्स वही होते हैं, कुछ दो चार टूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। अगर आप 7B सीख लेते हैं, आप CC 2020 भी चला सकेंगे, कोई इतना इशू नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको जो लिंक दूंगा उस लिंक से आप फोटोशॉप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास CS5 की फ़ाइल आ जाएगी, ये 200 MB की है। इसको आपने अपनी डी ड्राइव में या कहीं पर भी आप उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट टू एडोब फोटोशॉप, ठीक है। जब उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये फोल्डर बन के आ जाएगा। इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये इसी तरह ही इसको आपके पास एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट हो गया, आप विंडोज़ दोबारा भी करते हैं, आपके डी ड्राइव में पड़ा होगा, आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये पोर्टेबल है, आप इसको फ्लैश में डालें, किसी भी पीसी पर जाके आप इसको चला सकते हैं। अब आपने एडोब फोटोशॉप CS5 के फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर सेंड टू पे आके क्लिक करना है, और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इसको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। जब ये शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, अब ये देखें ये शॉर्टकट आ चुका है वायर, ठीक है। अब आपने जब इसको पहले अगर आप चलाते इसको रन करते हैं तो रन करने से ये ओपन नहीं होता, तो आप इसको पहली दफ़ा जो है राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। यस करेंगे, ये मेरे पास 2020 ओपन है, इस वजह से वो 2020 ओपन हो गया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर आके आप इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये पहली दफ़ा करना है। एक दफ़ा आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे तो दोबारा आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना पड़ेगा। ले जी, हमारा ये फ़ोटोशॉप ऑन हो गया है, ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मैंने जो सैंपल्स बनाए हुए जो आजकल मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, तो जल्दी से आप नीचे दिए गए लिंक से आप उसको डाउनलोड कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।